वेलकम टू द चैनल। आज 24 जुलाई, आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। पीडीएफ के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ के लिए अब हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे ज्वाइन करने का बेनिफिट ये रहेगा कि आपको प्रीवियस पीडीएफ ही काफ़ी इजिली मिल जाएंगे। ज्वाइन करने के लिए सिंपली आप हमारे चैनल का नाम सर्च करके हमें ज्वाइन कर सकते हो। पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लेना ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुँच जाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन आपने आंसर करना है, फ्रॉम प्रीवियस डेट 2019 दुरंत कप विल बी हेल्ड इन विच इंडियन स्टेट। तो कौन से इंडियन स्टेट में होगा, कई बार यही पूछ लेते हैं कि दुरंत कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, तो ये भी आप मुझे कमेंट करके बताओ। शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखो सबसे पहले चार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डेज फ्रॉम मार्च, तो ये चार क्वेश्चन आपने मुझे बताना है। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कौन से डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, थीम क्या रखा गया था 2019 का। सेकंड आपने मुझे बताना है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कौन से डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, थीम क्या रखा गया था 2019 का। थर्ड वन इज जन औषधि दिवस कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया गया। देन उसके बाद इंटरनेशनल वुमेंस डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है एंड थीम क्या रखा गया था 2019 का। आप अपने आंसर्स क्रॉस चेक कर सकते हो, एट द एंड ऑफ द वीडियो में आंसर्स भी शेयर कर दूंगा, बट इन बिटवीन आप कोशिश करो इनके खुद से आंसर्स पहले बताने की। शुरू करेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु विल बी द नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो आर्मी के न्यू वाइस चीफ कौन होंगे ये आपको बताना है। इनकी पिक्चर आपके सामने लगी है, इनका नाम है जी लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। इनका नाम याद रखिएगा, एमएम नरवाने। इससे पहले कौन थे, लेफ्टिनेंट जनरल डी अनबू। ओके, आर्मी के बारे में जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आर्मी डे 15 जनवरी को बिल्कुल सबको पता होना चाहिए। आर्मी के चीफ बिपिन रावत याद रखिएगा, एंड करमबीर सिंह ये आपको पता है नेवी के न्यू चीफ बने अभी हाल ही में। ओके, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करते हैं, हु हैज़ बीन अनाउंस्ड एज अ ब्रिटेन्स नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो ब्रिटेन के नेक्स्ट प्रधानमंत्री कौन होंगे, आपको पता है कि थेरेसा मैंने कुछ टाइम पहले अराउंड 1-2 मंथ पहले अपना रिजाइन दे दिया था। अब जो नए प्रधानमंत्री होंगे जी ब्रिटेन के, इनका नाम है जी बोरिस जॉनसन। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा यूके की कैपिटल क्या है, यूके की कैपिटल के बारे में पता होना चाहिए आपको, लंदन, एंड करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। ओके, यूके ही फर्स्ट नेशन बना था टू डिक्लेयर क्लाइमेट इमरजेंसी, वो भी याद रखिएगा। बोरिस जॉनसन इज द करेक्ट आंसर। ज्ञानी इन्फेंटिनो ये आपको पता होना चाहिए, फीफा के प्रेजिडेंट। ओके, एंड ऑप्शन नंबर डी बेंजामिन नेतन्याहू, ये हैं जो इसराइल के प्रधानमंत्री जो सितंबर 2019 में हमारी कंट्री का विजिट भी करेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट करते हैं, नासा टू सेंड फर्स्ट वुमेन एंड नेक्स्ट मैन ऑन मून इन 2024। नासा नील आर्मस्ट्रांग भेजा था इन्होंने, तो फर्स्ट अपोलो 11 मिशन के तहत अभी हाल ही में 50वीं एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट की गई है फॉर द हिस्टोरिक मून मिशन लैंडिंग। देन उसके बाद अब नासा 2024 में मून पे भेजने वाला है एक फर्स्ट वुमेन भी और नेक्स्ट मैन भी भेजेगा। इवन हम लोग खुद 2000 गगनयान मिशन के तहत अब 4 पर्सन भेजने वाले मून पे, बट अब नासा ने फर्स्ट वुमेन का भी डिसाइड कर लिया कि अभी भेजेगा 2024 तक। नासा स्पेस एजेंसी ऑफ आपको पता है कहाँ की, यूएसए बिल्कुल। देन उसके बाद हेडक्वार्टर्स कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी। इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 29 जुलाई 1958। इसके हेडक्वार्टर्स तो बता चुका हूँ। एडमिनिस्ट्रेटर कौन है जी, जिम ब्रेडिनस्टाइन। ओके, याद रखिएगा। अब 50वीं एनिवर्सरी भी हाल ही में नासा ने सेलिब्रेट की थी अपोलो 11 मिशन की। नील आर्मस्ट्रांग फर्स्ट मैन टू जिसने पहली बार कदम रखा था मून पे। ओके, देन उसके बाद व्हेन इज नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इन इंडिया, कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर होगा जी इसका ऑप्शन नंबर सी 23 जुलाई। 23 जुलाई इज द करेक्ट आंसर। ऑन दिस डे 1927 द फर्स्ट आवर रेडियो ब्रॉडकास्ट इन द कंट्री वेंट ऑन एयर फ्रॉम बॉम्बे स्टेशन। देन उसके बाद 1936 में द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बिकेम ऑल इंडिया रेडियो, एयर बन गया था, एंड एयर इज नाउ वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। तो आपको इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, 23 जुलाई को। ओके, एयर के हेडक्वार्टर्स का है ऑल इंडिया रेडियो के हेडक्वार्टर्स हमारी कैपिटल न्यू दिल्ली में। ओके, अब इंपॉर्टेंट डेज की बात है तो 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे एंड जीएसटी डे, 11 जुलाई को पॉपुलेशन डे, 12 जुलाई को मलाला डे, 15 जुलाई को यूथ स्किल्स डे, देन उसके बाद 17 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ सोशल जस्टिस, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे, 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। ये चीज़ें आपको ना ऐसे याद हो जानी चाहिए, क्योंकि मैं आपको हर बारी रिवाइज करवा ही रहा हूँ, तो आप खुद भी कोशिश किया करो कि इंपॉर्टेंट डेज की बात है तो एक बारी अच्छे से याद कर लो, रिवाइज करने की आदत आप डाल सकते हो अपने अंदर, ठीक है। तो 23 जुलाई आपको याद रखना है। देन उसके बाद फॉर्मर जापानीज डिप्लोमेट युकिया अमानो, इनका भी निधन हो गया 72 ईयर्स की एज में।
ये आपको बताना है कि अमानो वॉज द चीफ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूएस एजेंसी, यानी कि कौन सी यूनाइटेड नेशन की एजेंसी थी जिसके ये चीफ थे अमानो। करेक्ट आंसर होगा जिसका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसके हेडक्वार्टर्स हैं वेना ऑस्ट्रिया में। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इनकी पिक्चर आपके सामने लगी है, ये हैं जी हमारे युकिया अमानो, जो अब निधन हो गया इनका। ओके, जो द फॉलोइंग नेशन हैज एक्सटेंडेड एमरजेंसी फॉर वन अनदर मंथ, एक साल एक महीने की फिर से एमरजेंसी को बढ़ा दिया, कौन से नेशन है? श्रीलंका में एमरजेंसी लगी थी, अब इसको एक महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे, प्रेजिडेंट इज मैत्रीपाला सिरीसेना, याद रखिएगा। ओके, चंद्रयान सेकेंड तो हमने सक्सेसफुली लॉन्च किया, अब आपको ये बताना है कि इस मिशन मून मिशन की वुमेन साइंटिस्ट जो एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी, तो आपको बताना है कि इनका नाम क्या है। ये दो नाम आपको ज़रूर याद रखने, रितु करिदल एंड उसके बाद मुथाया वनीता, इन दोनों के नाम याद रखने, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी हमारे मून मिशन चंद्रयान सेकेंड के, जो हमारी हाल ही में हमने सफलतापूर्वक लॉन्च किया। लॉन्च व्हीकल जो यूज़ हुआ था GSLV मार्क 3, वो भी ज़रूर याद रखिएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ई इज़ द करेक्ट आंसर, रितु करिदल एंड मुथाया वनीता, दोनों नाम आपको ज़रूर याद रखने। एंड नासा, ये चंद्रयान सेकेंड का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? चांद में जाके पानी की खोज करना। ओके, पूरे साल के PDF आपको मिल जाएगा, 2500 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इस PDF की हेल्प ले सकते हो, जिसमें 2500 आपको सिंगल PDF में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इन जस्ट 49 रुपीज़ आप इसको परचेज कर सकते हो। एंड इसके रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी आती है तो आप मुझे, ये मेरा ईमेल ID, यू कैन मेल मी हेयर। ओके, हैप्पीनेस उत्सव इज रिसेंटली लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑब्लिक यूनियन टेरेटरी, तो कहाँ पे इसको लॉन्च किया गया हैप्पीनेस उत्सव? करेक्ट आंसर होगा जिसका हमारी कैपिटल न्यू दिल्ली में। ओके, एक इनिशिएटिव है बच्चों के लिए, लाइक उसमें कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे, पेंटिंग्स होंगी, इस तरह के एग्जीबिशंस वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाएंगे हैप्पीनेस उत्सव में। ओके, PM मोदी विल गो फॉर टू डे ऑफिशियल विजिट टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इन August 2019, तो कौन सी कंट्री के लिए जाएंगे जी दो दिवसीय यात्रा पे? ये जाएंगे भूटान, भूटान की कैपिटल थिम्पू एंड भूटानीज निगलट्रम करेंसी PM है लोटे शेयरिंग। ओके, देखो अब भूटान तो जाएंगे जाएंगे, ये तो करंट एक न्यूज़ बन गई, बट एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया था कि सेकंड टर्म प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारे मोदी जी कौन सी दो कंट्रीज़ के विजिट पे गए थे, तो वो गए थे जी श्रीलंका एंड मालदीव्स, तो वो चीज़ें आपको ज़रूर याद रखनी है। श्रीलंका एंड मालदीव्स गए थे प्रधानमंत्री सेकंड टर्म बनने के बाद हमारे मोदी जी। Which state has topped in the list of providing the farmers family for the first and second installment of Rs 2000 each under Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana in June 2019? यानी कि अभी आपको पता है कि तीन installments में 6000 पे दिए जाने, अब दो installments दी गई, तो अब आपको बताना है कि कौन सा state top पे रहा, like वहाँ के जो देने का बिल्कुल system बिल्कुल proper रहा, transparency के साथ दिया गया and provide किया गया in time, तो कौन सा state ने इसमें top किया? उत्तर प्रदेश, याद रखिए। उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में नए गवर्नर बनी है, नॉट बने हैं, बनी हैं, उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। ओके, नेक्स्ट करते हैं। आंध्र प्रदेश बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू रिजर्व 75% प्राइवेट जॉब्स फॉर लोकल, तो ये आंध्र प्रदेश की असेंबली ने ये पास किया, आंध्र प्रदेश एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स इन इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज एक्ट 2019, यानी कि 75% प्राइवेट जॉब्स वो आंध्र प्रदेश के लोकल्स को दी जाएंगी, ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है आंध्र प्रदेश के लिए। एंड आंध्र प्रदेश के CM जगनमोहन रेड्डी अभी हाल ही में बने, एंड गवर्नर भी अभी नहीं बने, विश्वभूषण हरिचंदन, तो ये याद रखिएगा। सो डेट्स ऑल, एंड ये क्वेश्चन जो आपके लिए थे, यू कैन क्रॉस चेक यूर आंसर्स। ओके, देखो अब एक चीज़ और शेयर करूँगा एट द एंड ऑफ द वीडियो, इसलिए शेयर करता हूँ बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि मैं बीच में उनका टाइम लेता हूँ, बट दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट यार। देखो आपको हमारे चैनल को सपोर्ट भी करना है, एंड आप लोग जितना सपोर्ट करते हो, जितना अप्रिशिएट करते हो, जितने लाइक्स करते हो, वही चीज़ मेरे लिए एनर्जी का सोर्स बनती है। सो एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबके साथ, इसको शेयर करा करो, ठीक है? आप चलो शेयर तो नहीं करते, आई नो स्टूडेंट्स बिल्कुल जस्ट लिसन एंड जस्ट इग्नोर, बट वन थिंग यू हैव टू डू, यू हैव टू लाइक इट, ठीक है? जस्ट एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है, मे बी दिस इज़ द थिंग कि लाइक इस वजह से हमारे चैनल को रिकमेंडेशन में नहीं डाल रहा यूट्यूब, अदरवाइज एफर्ट्स तो मैं पूरे कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से अच्छे लगाने के लिए, अच्छा कंटेंट भी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो आई होप मैं ऐसा कर भी पा रहा हूँ, बट स्टिल नॉट गेटिंग एनी रिजल्ट। सो आपसे एक रिक्वेस्ट है, इसको लाइक ज़रूर कर दिया करो एंड इसे शेयर करा करो, ठीक है? एटलीस्ट लाइक तो ज़रूर कर दिया करो, इतना आप छोटा सा काम हमारे लिए कर सकते हो इन रिटर्न। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Until take care, best of luck and have a great day.